तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल सरकारी फॉर्म पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 9वीं में एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म जारी हो चुका है। तो अगर आपके कोई भी भाई बहन हैं जो कक्षा 8वीं में पढ़ रहे हैं तथा आप उनके अच्छे भविष्य के लिए तथा उनके अच्छे पढ़ाई के लिए उनको नवोदय विद्यालय में एडमिशन कराना चाहते हैं, तो एक खुशखबरी है कि नवोदय विद्यालय में 9वीं कक्षा में एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म जारी हो चुका है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको एग्जाम होता है, उसके बाद से क्वालिफाई करने बाद आपका एडमिशन नवोदय विद्यालय में होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम नवोदय विद्यालय का अच्छा 9 नामांकन फॉर्म एडमिशन फॉर्म से संबंधित पूरी जानकारी देखने वाले हैं कि इसमें आपका एज लिमिट क्या रहने वाला है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, आपका फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा तथा आपका एग्जाम कब होगा, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है आदि पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो पसंद नहीं आए तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। तथा अगर हमसे कोई गलती हो तो चाहे आपको पास कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बता सकते हैं। और ऐसी सरकारी जॉब और सरकारी भर्ती की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं 446 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आप 4 आदमी जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए ताकि 450 सब्सक्राइबर पूरा हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से 2024-25 कक्षा 9 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म जारी हो चुका है। तो आप इसमें देख सकते हैं, आपको नोटिफिकेशन का लिंक भी हम आपको देने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 9। यहाँ पे आपका लास्ट डेट जो रहने वाला है वो 31/10 यानी 31 अक्टूबर 2023 रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि इसमें आपका पूरा डिटेल्स क्या क्या रहने वाला है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए तथा नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर आना है और सर्च करना है ऑल सरकारी फॉर्म। सर्च करने बाद आपको फर्स्ट पे ही allsarkarifarm.com का होम पेज दिखाई देगा। जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने बाद आप इस ऑल सरकारी फॉर्म के होम पेज पे आ जाइएगा, जहाँ पे आप इंपॉर्टेंट वाले सेक्शन में देख सकते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 एडमिशन फॉर्म 2024-25 दिया हुआ है। तो जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने बाद आपके सामने कुछ ये पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि वैसे विद्यार्थी जो कक्षा 8वीं पास कर चुके हैं या 8वीं में पढ़ रहे हैं उनके लिए 9वीं में एडमिशन के लिए खुशखबरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो 18 सितंबर 2023 से शुरू हो चुका है। तो इसके लिए अंतिम तिथि यानी लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2023 रहने वाला है। तो इसका जो एग्जाम डेट है वो 10 फरवरी यानी फरवरी में 10 फरवरी 2024 में होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आइए इसमें नीचे और देखते हैं। आप और नीचे आइएगा तो आपको बताया गया कि नवोदय विद्यालय क्या क्या है। तो आपको इसमें उससे एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फीस आदि पूरी जानकारी देने वाला है। तो यहाँ पे उसका एलिजिबिलिटी में आपको देख सकते हैं, उसका जो जन्म होना चाहिए यानी एज लिमिट वो 1 मई 2009 से लेकर 31 जुलाई 2011 के बीच में होना चाहिए। आपका जो बच्चा है उसका 1 मई 2009 से 31 जुलाई 2011 के बीच में जन्म तिथि होना चाहिए। तथा जो विद्यार्थी है वो 9वीं कक्षा में नामांकन लेने वाला है, उसका 2023-24 में कक्षा 8वीं में अध्ययनरत होना चाहिए यानी 8वीं कक्षा में अभी फिलहाल में पढ़ाई कर रहा होना चाहिए। उसके बाद से आप देख सकते हैं इसके लिए आवेदन फीस, एप्लीकेशन फीस कितना लगने वाला है। तो फ्रेंड्स, किसी भी अभ्यर्थी से कोई भी आवेदन फीस नहीं लगने वाला है। जनरल ओबीसी एससी एसटी सभी अभ्यर्थी इसके लिए बिल्कुल निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद से फ्रेंड्स, इसमें देख लेते हैं आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है। तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन आवेदन भरते समय आपको पासपोर्ट साइज फोटो लगने वाला है और स्टूडेंट का सिग्नेचर लगने वाला है, पेरेंट का सिग्नेचर लगने वाला है, आधार कार्ड लगने वाला है तथा स्कूल का डिटेल्स लगने वाला है कि आपका स्कूल कहाँ पर है। उसके बाद से फ्रेंड्स, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस आपको बता दें तो आपको फॉर्म भरने के बाद सबसे पहले रिटर्न एग्जाम होता है, उसके बाद से मेरिट बनने के बाद अगर आपका लिस्ट में नाम आता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। उसके बाद से आपका एडमिशन जिस आपके कॉलेज में, जिस स्कूल में आया होता है उस स्कूल में, नवोदय स्कूल में होता है। उसके बाद से फ्रेंड्स, इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो आपको बता देते हैं। तो जो कक्षा 9वीं का एडमिशन का एग्ज़ाम होता है वो ऑफलाइन माध्यम में होता है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद से इसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं तथा 150 मिनट यानी 2 घंटे 30 मिनट यानी 2.5 घंटे का समय आपको मिलता है। तथा जो क्वेश्चन होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है। उसके बाद से फ्रेंड्स, आप यहाँ पे सिलेबस इसका देख सकते हैं, जिसमें इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, मैथमेटिक्स होता है तथा साइंस होता है, जिसमें टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद से फ्रेंड्स, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है तो आपको बता दें, यहाँ पे लिंक दिया हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट का nawoday.government.in। जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें आपको क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दिया हुआ है। जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का ये पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लिक हियर टू रजिस्टर फॉर क्लास 9 लिटरल एंट्री एडमिशन। जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये खुल कर आ जाएगा, जिसमें आपको अपना स्टेट चूज करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, इसमें अपना पूरा एड्रेस डिटेल भरना है तथा यहाँ पे नीचे आकर आपको फोटो, सिग्नेचर माता पिता का और अपना सिग्नेचर अपलोड करना है तथा सेव और प्रीव्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद से आपको इसके लिए अच्छे से
रजिस्ट्रेशन कर लेना है तथा उसका एक प्रिंटआउट निकाल कर रख लेना है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप कंप्यूटर द्वारा कक्षा नवी विद्यालय में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 सितंबर 2023 इसके लिए आवेदन शुरू हो चुका है तथा लास्ट डेट 21 अक्टूबर 2023 रहने वाला है तथा इसका जो एग्जाम डेट है वो 10 फरवरी 2024 को होने वाला है। उसके बाद से आप नीचेगा तो आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया हुआ है डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन का, जिस पर क्लिक करने बाद ये आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा तथा यहाँ पे इसके नोटिफिकेशन का लिंक दिया हुआ है जिसमें आप इसके बारे में पूरी डिटेल्स में देख सकते हैं। और आप नीचेगा तो आपको FAQ यानी कुछ सवाल जवाब दिया हुआ है तथा हमारे सोशल मीडिया का ग्रुप का लिंक दिया गया है जिसमें आपको व्हाट्सएप ग्रुप, यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पेज का लिंक दिया गया है जहाँ पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ऐसी सरकारी जॉब और सरकारी भर्ती की जानकारी मिलती रहती है। तो फ्रेंड्स ये रहा कक्षा 9वीं का आपको एडमिशन के लिए। इसी प्रकार से कक्षा 11 के लिए नवोदय विद्यालय में कक्षा 11 के लिए जो विद्यार्थी 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी फॉर्म आ चुका है जिसकी वीडियो हम बहुत जल्द अपलोड करने वाले हैं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो पसंद नहीं आती है तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं तथा हमें कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं, कोई सजेशन हो तो दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।